आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जिसमें देखिए इधर सबसे पहले ये 300 ग्राम आलू था, उबला हुआ आलू है। इसको कुकर में उबाली थी तो उसको छील लेना है। उसमें आधा आधा मतलब कांदा ऐड करी हूँ, थोड़ा सा लाल बुकी मिर्ची पाउडर है, थोड़ा सा काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, और इसमें पुरते भर का नमक है। और आज ज़्यादा कुछ नहीं डाली हूँ, हरी मिर्ची आप डालिए चाहे नहीं, आपकी मर्ज़ी। और इधर आटे में देखिए थोड़ा सा नमक है, और इसको 1 किलो आटा है कम से कम, थोड़ा सा नमक है, अच्छे से सान लेना है, मतलब ऐसा नरम करके मिला लेना है। तो अभी हम बनाएंगे। सबसे पहले लोई बना लेना है, और मुझे बड़ी रोटी और बड़ा पराठा ही बनाना पसंद है। देखिए पराठा बनाना चालू की हूँ, इस तरह से बना लीजिए। इधर आलू है, आलू हम हिसाब से भर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो इस तरह से रोटी देखिए पराठा बेल लेना है, और इधर तवा चढ़ा दी, तवा भी गर्म है। तो पहले हम पूरी ऐड कर देंगे, उसके बाद में हम तेल डालेंगे, दूसरा वाला भी वैसे ही बना लेना है। और देखिए यहाँ पर पलट लेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करके चूल्हा कम ज़्यादा करके सेक लेंगे। तो देखिए इतना मैंने पराठा बनानी है, और रोटी भी बनाई हूँ, एक पराठा पूरा बना के बताती हूँ। आपको देखिए एक पूरा पराठा बना के बताऊंगी अभी। चूल्हा यहाँ पर पास रखना है। अभी एक देखिए एक रोटी का आटा और है, तो इसे हम पराठा बना के बता देंगे। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो पराठा भी बना के खा सकते हैं, किसी को आलू पूरी नहीं पसंद है तो इस तरह से बना लीजिए।
तो इस तरह से बेल लेना है पराठे को। चाय के साथ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। पराठा बन के तैयार हो गया। अच्छा पराठा बना है। थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। ऐसा तेल से पराठा खाने में अच्छा लगता है। हो गया। अब यहाँ पर चूल्हा बंद कर देंगे। आलू के पूरी बन के तैयार हो गए। आलू के पराठे आज बनाई हूँ। आज की रेसिपी है तो ये थोड़ा सजा लेंगे। ये आलू की पूरी है। रोटी भी बन के तैयार है। ये भी आलू के पराठे हैं। ये थोड़ा अलग तरीके से बनाई हूँ। इसको बताई नहीं मैं आपको, दूसरे दिन बता दूंगी। देखिए दही है। आप दही के साथ भी खा सकते हैं। और इधर मेरे पास देखिए धनिया है। धनिया से पहले सेव है। सेव से सजा लेंगे। दो मिनट रुको ना सेव खाना। अरे देखिए चाय भी बनी है। चाय के साथ पराठे भी खा सकते हैं। अच्छा ये देखिए आप जाओ आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को शेयर कीजिए। क्या हो गया, लाइक काम नहीं करने दे रहे हो।